हेलो वेलकम, मैं हूं इमरान और आप सबका हमारे लर्निंग जैन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने पीसी टू पीसी, चाहे वो मैक हो, चाहे विंडो हो, चाहे लिनक्स हो, किसी में भी कैसे इजी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस पीसी से उस पीसी में कैसे आप फाइल ट्रांसफ़र करेंगे वाईफाई के थ्रू। मतलब अगर आप सेम वाईफाई नेटवर्क में कनेक्टेड हैं तो आप कैसे इस पीसी से उस पीसी में बड़ी बड़ी फाइल या छोटी फाइल, कोई भी फाइल आप इजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। आपकी वाईफाई राउटर के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वाईफाई की राउटर कितनी स्पीड की है, और जितनी स्पीड की होगी उस हिसाब से आप अपने इस पीसी से उस पीसी में बहुत ही आसानी से फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे फाइल ट्रांसफ़र करने की बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन विंडोज़ में काम करता है तो मैक में काम नहीं करता है, और कुछ एप्लीकेशन आपको खरीदने पड़ते हैं उसके बाद काम करता है, और कुछ एप्लीकेशन में आप विंडोज़ से विंडोज़ में ही फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विंडोज़ से मैक में या मैक से विंडोज़ में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है, आप इससे विंडोज़ से मैक में, मैक से विंडोज़ में, और फिर आप चाहें तो मैक से अपने मोबाइल फ़ोन में, या फिर मोबाइल फ़ोन से आप अपने विंडोज़ में, किसी में भी, कहीं से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं है। हाँ, अगर आप मैक में यूज़ करते हैं इसको, तो मैक में यूज़ करने के लिए आपको थोड़े से चार्ज देने पड़ेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ और डिटेल आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम एनीसेंट को डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर हम विंडोज़ 10 का यूज़ करेंगे, और विंडोज़ 10 का यूज़ करके आपको बताएंगे कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैक से अगर विंडोज़ में, या विंडोज़ से मैक में अगर चाहें आप ट्रांसफ़र करना, तो भी आप बहुत ही ईजी से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चार्ज पे करने पड़ेंगे। अगर आप मैक में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए $5 आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप विंडोज़ में यूज़ करना चाहते हैं तो फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं, और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं एनीसेंट, और टाइप करने के बाद हम इंटर प्रेस करते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है एनीसेंट, और उसके बाद से आप यहाँ पर getanysend.com पे आकर आप इसे डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर आने के बाद से आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करें, और उसके बाद से आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से चूज़ कर लें। मेरा विंडो है तो विंडोज़ पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर विंडोज़ पर क्लिक करके हम इसे डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलिए इसे हम जल्दी से, 27 MB की फाइल है ये, 27 MB की, हम इसे ओके पर क्लिक करते हैं और इसे हम फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं। फिर जैसे ही डाउनलोड हो जाता है उसके बाद से हम इसे इंस्टॉल करेंगे, और फिर आपको बताएंगे कैसे आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम ओपन फोल्डर में चलते हैं, उसके बाद से हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करने के बाद से आपको एक्सट्रैक्ट हेयर यहाँ पर मैं कर देता हूँ, और उसके बाद से ये फाइल अनजिप हो जाएगा। तो अगर आपका विंडोज 64 बिट का है, 64 वर्जन है, तो आप ये 64 बिट वाला आप डाउनलोड, मतलब सॉरी इंस्टॉल करेंगे, और अगर आप 32 है तो ये वाला इंस्टॉल करेंगे। तो हमारा 64 है, तो हम इस पर डबल क्लिक करके हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो बाकी जैसे सॉफ्टवेयर सारी इंस्टॉल होती है, बस वैसे आपको भी इसे भी आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। तो चलिए मैं फटाफट इसे इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे इसे यूज करेंगे। उसके बाद आप अपने पीसी में अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ये इस बटन पे, मतलब अगर हिडन जो भी है एप्लीकेशन यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगी एनीसेंट। तो अब अगर आपको जैसे ही किसी और कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है, तो आपको यहाँ पर अगर एक ही सेम वाईफाई नेटवर्क में कनेक्टेड होगा, तो आपको जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगी यहाँ पर कि कितनी कंप्यूटर यहाँ पर कनेक्टेड है। एक ये डेस्कटॉप है, और ये दूसरी वाली ये मेरी मतलब कि ये वाली मेरी पीसी है, और दूसरे जो ऊपर डेस्कटॉप लिख रहा है तो वो डेस्कटॉप दूसरी वाली हमारी कंप्यूटर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दूसरी वाली जो पीसी है, तो हम उसे करते क्या है कि हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, ताकि हमें आसानी हो समझने में कि ये किसकी, ये कौन सी पीसी है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद से इस कंप्यूटर पर क्लिक करता हूँ, तो फिर आप देखेंगे कि हमारे इस दूसरे वाले कंप्यूटर में यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जैसे मैं यस यहाँ पर करूँगा, तो वाली फाइल जो है हमारे कंप्यूटर में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर फाइल जा रही है, और मैं अगर यहाँ पर क्लिक करके इस एनीसेंट पर देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर फाइल आ रही है। ठीक है, तो ये फाइल देखिए रिसीव हो चुकी है हमें।
तो अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये जो फाइल है वो यहाँ पर शो कर रही है। ये 15 MB की फाइल है और ये करीब कुछ सेकंड में हमारे पास आ चुकी है। तो इस तरह आप इजी अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वाईफाई के थ्रू फाइल ट्रांसफ़र इजी कर सकते हैं। तो अगर आप अपने फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं सेम वाईफाई नेटवर्क में, कितना भी चाहे पीसी हो, 20, 30, 50, कहीं भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन के थ्रू बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के वीडियो के साथ हम जल्द से जल्द आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए हमें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए।